बाकी गाड़ी बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को। 125 सीसी की गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हैं अपने गांव से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर यानी कि सिकंदराबाद में, और आप सभी को पता है कि इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख रखा है। और अभी मैं जो है अपने लिए नई बाइक लेने आया हूँ, और मैं खुद से ही ले रहा हूँ भाई, अपने आप से ही ले रहा हूँ, अपने यूज के लिए ले रहा हूँ। शायद उससे कभी मोटो ब्लॉगिंग भी शायद मैं करूँ, तो मोटो ब्लॉगिंग सुन के आप लोग ये मत समझ रहे कि सुपर बाइक कोई ले रहे हैं, लेकिन नहीं, 125 सीसी की बाइक है। आप लोगों को देखने में पसंद आएगी, न्यू लुक निकला हुआ है, काफ़ी दमदार बाइक है, उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। और अभी सिकंदराबाद में खड़े हैं, यहाँ पे बजाज जो एजेंसी है वहाँ पे मैं आया हूँ। गाड़ी जो है मैं कल ही देख के गया था, और आज मैं गाड़ी ये निकलवा रहा हूँ क्योंकि आज 28 तारीख है, 28 सितंबर, और आज के बाद गाड़ी पे 15 दिन निकलवा नहीं सकते, वो श्राद्ध उराद वाला शुरू हो जाता है ना माहौल, तो गाड़ी निकलवा नहीं सकते, इसीलिए जो है हमें आज ही निकलवानी पड़ रही है। और हम आ चुके हैं, हमारे यहाँ छोटा भाई आया हुआ है और जीजा जी हमारे बड़े वाले आए हुए हैं। ये पीछे जो है एजेंसी है बजाज की, यहाँ पे तो यहाँ भी पता किया था हमने, लखीमपुर भी पता किया था, गाड़ी जो है सेम रेट पे ही पड़ रही है, 200-400 का अंतर रहेगा, तो यहाँ से लखीमपुर ही 40 किलोमीटर दूर है, जाने आने का वही अंतर आ जाएगा। तो बैक कैमरे को ऑन करते हैं, गाड़ी देखते हैं भाई फिट हो रही है, उसको टेस्ट ड्राइव करवाते हैं। हम तो कर लिए थे कल ही, लेकिन जीजा जी आए उनको करवाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके का लुक आता है बाइक का। तो इधर ये जा रही है लखीमपुर रोड, और इधर है मेन चौराहा, तो यहाँ पर है ये बजाज एजेंसी। बहुत सारी प्लेटिना खड़ी हुई है जो कि मेरे बिल्कुल मन से नहीं था, और शायद पिताजी का यही मन था कि मैं प्लेटिना खरीदूं। गाड़ी यहाँ पे मेरी फिट हो रही, देखो आवाज़ सुनो इसकी भाई किस तरीके की है। तो 125 सीसी है, 5 गियर वाली भाई, और डिस्क ब्रेक है सारा कुछ, मतलब उसमें सिटी जो 100 आती थी उसका ये अपडेट मॉडल है, सिटी 125X, 125 सीसी की, क्योंकि न्यू लुक निकाला हुआ है। आई तो करीब 1 साल हो गया है क्या ना, ऐसे ही हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन हमारी नज़र में है भाई तो एकदम मिनी बुलेट लगती है, पीछे से भी देखोगे आगे से भी देखोगे, काफ़ी अच्छा लुक है और चलने वाली गाड़ी भाई। टायर देखो इसका ट्यूबलेस टायर है, और बाकी आम गाड़ियों से जो 90-95 हज़ार की आती है उनसे सबसे जो टायर क्वालिटी है, MRF के टायर हैं और चौड़े काफ़ी टायर हैं जो कि एक बढ़िया प्रीमियम लुक देते हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पूरी गाड़ी फिट होगी, उससे पहले टेस्ट ड्राइव, जाओ ले जाओ, पेट्रोल पड़ा है, चलो भाई चला के देखा, जाओ बैठ के देखो। ये गाड़ी तो है अभी जाएगी, ऊँची सीट है एक लिए जो है लंबे आदमी लिए ठीक है। ये छोटा वाला भाई जा रहा है, और ये भी जा रहे भाई पीछे से, ले जाओ आराम से, आगे पड़े हैं सब। ये टेस्ट ड्राइव के लिए जा रही है गाड़ी, देखो इसके बाद पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है वो निकल गई, ये लोग पूरा अपना चला के आएंगे, फील करके आएंगे कि किस तरीके से गाड़ी चलाने में लगती है, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। तो यहाँ भाई गाड़ी एक बार फिर कैसे लगे, सही फील तो सही, बाकी भाई तो सर्विस है तब खुली है ना गाड़ी जा, अभी गाड़ी है पागल हो, जब नया इंजन है भैया, अब एक सर्विस हुई है पार्ट में, यहाँ चलन फिलन मची है तब तो अच्छी चली ना। अभी कुछ कमियां हैं जो कि बताई जाएंगी भाई, हम नहीं फील कर सकते, जो एक्सपीरियंस बंदे वही फील कर सकते। बाकी कलर आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है, कलर तो रेड सही लग रहा है, ये पट्टी रेड में मिल जाएगी, ग्रीन में मिल जाएगी और ब्लू में मिल जाएगी, और बाकी ये जो चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी दे रखी हैं, बाकी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, ये तो गाड़ी हम घर चल के आपको दिखाएंगे प्रॉपर पूरी, ये दे रखा है मीटर नॉर्मल दे रखा है जो हमें चाहिए भी था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजकल यार वो, है ना, ज़्यादातर गाड़ियों में देखा। साइलेंसर के इधर एक लेग गार्ड दे रखा है, ऐसा पावदान एक इधर दे रखा, नॉर्मली गाड़ी में एक ही तरफ देते हैं, और पीछे का देखो भाई जो लुक आ रहा है वो बुलेट के जैसा इसका आ रहा है पीछे का। चलिए आगे बात करते हैं, गाड़ी पहले फिट हो जाए पूरी, उसके बाद कंप्लीट गाड़ी जो हो जाएगी तब दिखाते हैं आपको। जब इच्छा कर आज सुबह
तो दोस्तों फाइनली हमारे गांव से ही करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर एक स्थान है गजमोचन नाथ जी का। ये देखिए गजमोचन नाथ जी महादेव जी का मंदिर है और गजमोचन नाथ यानी कि हमारे यहाँ पे हाथी की भी पूजा होती है, गज की भी पूजा होती है। तो ये बैक कैमरे से हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरा ये मंदिर किस तरीके से यहाँ पे परिसर है। और सावन के महीने में तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, हर अमावस्या को भी यहाँ पे मेला लगता है, काफ़ी अच्छा पूजन का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम गाड़ी की अपनी पूजा करवाएंगे जो आज ही कम्प्लीट करानी है हमको, उसके बाद घर लेके जाएंगे। तो चलिए बैक कैमरे को दिखाते हैं पूजा और ये परिसर किस तरीके से यहाँ पे कम्प्लीट कराते हैं। बड़े मतलब खुशी भी अंदर से है पर थोड़ी सी टेंशन है, वो बाद में बताएंगे क्यों है। कुछ ये परिसर है, ये गजमोचन नाथ जी का मंदिर है, इसमें हाथी की पूजा होती है महादेव जी की। ये मेन मंदिर है महादेव जी का, ये देखिए नाग दिख रहा है ना। मंदिर के अंदर चल के वीडियो नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी है जो अभी हमने ले ली है, कंप्लीट नहीं करेगा। कुछ चीज़ों की इसमें कमी है वो अभी कंप्लीट कराएंगे 2 दिन में आके। इसका सीट कवर लगवाना है जो कि हमें ऐसे देखने में भी अच्छी लग रही, तो इसलिए ऐसे, और ये टिक्की लग रहा है। चला गया, देखिए बोलो अगले स्त्री फोटो भेजे कह रहा है, फोटो भेजो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी, देख सकते हो आप लोग। और उस दिन जिस दिन हम उसको लेके आए उस दिन हो गई थी शाम, और सोचा तो शाम को दिख नहीं पाया। मम्मी मम्मी ने भी इसको प्रसाद वसाद चढ़ाया, इस पर पूजा वूजा की जो घर पे नॉर्मली होता है, बाकी मंदिर में हमने कराई थी। अभी तक तो माला सूख गया, 2 दिन इसको हो गया हुआ आए हुए। और ये देखिए अभी धुला भी नहीं इसको है। और जो लोग पूछ रहे थे भाई, कई लोग इसको देख के बोले कि सिटी 100 लेके आया। भैया सिटी 100 का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार, वो सिटी थी
यानी कि 100 cc की, इसीलिए उसको सिटी 100 बोलते थे। और ये है सिटी 125। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग तो सिटी 125X है ना। अब यहाँ पे डेंट कैसा आया भाई, ये उतारने चढ़ाने में हो जाता है। बाकी ये आप लोगों को डिस्क ब्रेक में मिलेगी, मुझे भी मिली है डिस्क ब्रेक में ही। बाकी इसका जो लुक है वो थोड़ा सा इस तरीके से दिया है कि पल्सर वल्सर चलाते हो आप लोग ना, तो उस तरीके से इसको दिया हुआ है। बाकी चार्जिंग केबल USB के लिए दिया है कि चार्ज कर सकते हो मोबाइल को, जब मोटो ब्लॉगिंग करेंगे उसके में बहुत काम आएगा ये। इस पर चाबी नंबर लिखा हुआ है, इसको मैंने निकाला नहीं है अभी। कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है भाई। इंजन भी काफ़ी बड़ा दे रखा है क्योंकि 125 cc का है इस वजह से। बाकी पूरा ये सब मेटल लगा के दिया उन्होंने, प्लास्टिक यूज नहीं की, इसीलिए ये गाड़ी जो है 1 क्विंटल 30 किलो की हो जाती है, 1 क्विंटल 30 किलो। और जो नॉर्मल गाड़ियाँ 100 cc की हैं उनसे बड़ा जो है इसमें टायर भी मोटा दिया है, उनसे ज़्यादा मोटा टायर दिया है। पीछे वाला जो पल्सर उल्सर में लग के आता ना वैसे ही दिया हुआ, देखना आपने। और ये MRF का टायर दिया है इसमें। और जो पल्सर या पाचे या बड़ी जो गाड़ियाँ आती हैं 125 cc की या 150 cc की, उन जैसा इस पर टायर भी दिया हुआ है। और बुलेट के जैसा ये दोनों साइड लेग गार्ड इनको पीछे का बोल सकते हैं। इस पर आराम से जब तीसरा बंदा बैठता है तो फिर वो साइलेंसर पर रखता है इस पर पैर, तो वो इस पर ही रख लेगा। और इधर जो है वो भी पूरा पीछे से ये लगती है बिल्कुल बुलेट भाई। और जो नई बुलेट आई है उसका इसी तरीके से कुछ लुक दिया है साइड में, क्योंकि ये भी दिया पूरा मेटल का, पूरा लोहा लगा के दिया है। इस पर भी कुछ भी रख लो भाई, जब कहीं लंबा टूर होता है तो इस पर सामान वामान रख सकते हो। इस पर कवर हमने कल लगवा लिया था, इसकी जो सीट है वो कटिंग वाली है, ऐसे ऐसे इस तरीके से देखो छप गई है बैठ के, तो इस तरीके से आती है ना, कवर लगवा लिया इससे सीट को नुकसान ना हो। बाकी जहाँ तक डिजाइन ये दे रखी है बना के इन्होंने, इसकी साकर बड़ा भाई तगड़ी है, बैठने पे मतलब झटके नहीं लगते ज़्यादा, चारों तरफ से चमक रही है एकदम। तो अभी इसको 2 दिन आए हुए हैं, इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, चल गई है। लेकिन 2 दिन में मैंने इसको चलाया है 227 किलोमीटर इसको मैंने चलाया, यानी कि 500 का पेट्रोल इसमें मैंने फूका है। बाकी माइलेज वाले देखते हैं कितना देगा ये, वो आगे टेस्ट करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी गाड़ी बताओ कैसी लग रही है आप लोगों को, 125 cc की गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा और अब काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी एक्साइटमेंट था इसके लिए। लेना कुछ और था, प्लान कुछ और बन गया, तो हमने कहा चलो जो ज़रूरत ज़्यादा हमें लगी जिस चीज़ की वो थी बाइक, तो हमने बाइक ले ली। थोड़ा सा हाँ अच्छा खासा पैसा ख़त्म हो गया भाई, बाइक लेते हैं कोई बड़ा चीज़ लेते हैं, जैसे बाइक हो गया। iPhone तो 13 में लेने वाला था, पहले मेरा प्लान 1.5-2 महीने से था कि iPhone 13 लूँगा, इसलिए एक फ़ोन मैंने अपने पिताजी को दे दिया था और ये मैं एक ही फ़ोन उसमें यूज कर रहा था। मैंने सोचा जब बिलियन डे आएगा तब मैं iPhone 13 खरीदूंगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा प्लान 2 दिन में ही बन गया कि मुझे बाइक चाहिए है। और एक थी बाइक पैशन प्रो मेरे पास, जिसको जो पिताजी अभी रेगुलरली ड्यूटी पे लेके जाते हैं, सुबह लेके जाते हैं शाम को आते हैं, और हमें बाइक चाहिए थी थोड़ी सी बड़ी 125 cc या 150 cc में, जो कि हमें थोड़ा सा बाहर का भी सैर कराए, जैसे हमारे यहाँ से उत्तराखंड नेपाल से बगल में है, कभी इन फ्यूचर में सोचूँ 1-2-3-4 महीने में तो मैं वहाँ आराम से उस पर अपना बैग पैक करके बांध के अब उस बाइक को लेकर निकल सकूं। तो यही कुछ प्लान था, इसी वजह से मुझे बाइक लेनी थी, तो यूट्यूब से जो कमाया बाइक पे हमने लगाया, तो यूट्यूब से जो अर्निंग होती है हमारी वहीं से फिर हमने बाइक को परचेज किया। और आज ठीक है हम भी वीडियो बनाए कि हमने भी भैया यूट्यूब के पैसों से गाड़ी खरीद ली, भले 4-व्हीलर नहीं लेकिन 2-व्हीलर खरीद ली। इतने में जितने में हमने गाड़ी ले ली 2 iPhone हमारे आ जाते, 2 iPhone 13 आ जाते, अगर 1 iPhone 50,000 का है तो ठीक है। तो बहुत खुशी है, आप लोगों कमेंट करके बताइएगा। और इस गाड़ी के बारे में और भी जानकारी चाहिए या यूट्यूब के से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए, देखो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग मोटिवेट हो सको, जो नए यूट्यूबर हैं कुछ भी खरीदा जा सकता है यूट्यूब से कमाई करके। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहले आप विजिट करो, प्लीज को सब्सक्राइब करते, पास में बेल आइकन उसको दबा कर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। और हाँ इस बाइक के बहुत सारे वीडियो अभी और हमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो पर आप लोग या इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।